आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 660वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम आपको पन्ना टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व के बाहर की सड़क का दीदार करा रहे हैं। पन्ना भारत का 22वां बाघ अभ्यारण्य है और मध्य प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य है। रिजर्व विंध्यन रेंज में स्थित और राज्य के उत्तर में पन्ना और छतरपुर जिलों में फैला हुआ है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया था और इसे 1994 में भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यान में 1975 में बनाए गए पूर्व गंगऊ वन्य जीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को शामिल किया गया था। इस अभ्यारण्य में वर्तमान उत्तर और दक्षिण के क्षेत्रीय वन शामिल हैं। पन्ना वन प्रभाग, जिसके निकटवर्ती छतरपुर वन प्रभाग का एक बड़ा भाग बाद में जोड़ा गया है। पन्ना जिले में पार्क के आरक्षित वन छतरपुर की ओर संरक्षित जंगल अतीत में पन्ना छतरपुर और बिजावर रियासतों के तत्कालीन शासकों के शिकार हुआ करते थे। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी के लालटेन का 660वां एपिसोड। कितना पानी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इस नदी में, कैन नदी ये यहाँ से बहती है और इसका पार्ट बहुत ज़्यादा चौड़ा यहाँ पर है। पन्ना और छतरपुर के मध्य का हिस्सा आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ बाई तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व पूरा का पूरा अवस्थित है और इस नदी को देखिए, अभी भी ये नदी समाप्त नहीं हुई है, नदी का पार्ट अभी भी जारी है। कितनी चौड़ी, जैसे मध्य प्रदेश में अगर आप तवा और नर्मदा दो नदियों के पार्ट होशंगाबाद जिले में देखते हैं, लगभग उतना तो नहीं, उससे थोड़ा कम है, पर कमोबेश उतना ही माना जा सकता है। ये पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में और भी जो जानकारियाँ हमारे पास हैं, वे सारी जानकारियाँ हम आपको यहाँ देना चाहते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व देखा जाए तो देश का, अगर आप देखेंगे दुनिया में, म्यांमार का होकाउंग वैली टाइगर सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है। पन्ना टाइगर रिजर्व में लगभग 13 साल पहले तक एक भी बाघ नहीं हुआ करते थे, अब लगभग 78 से 80 बाघ यहाँ, इसमें से 31 वयस्क नर बाघ हैं। वन विभाग के अनुसार एक नर बाघ 50 से 60 किलोमीटर तक जंगल में अपनी टेरिटरी बनाता है। ये आपको देखिए, यहाँ पन्ना टाइगर रिजर्व की सड़कें भी अब बहुत अच्छी बना दी गई हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में अगर आप यहाँ से गुजरते हैं तो आपको दोनों तरफ हरे हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, हरे वृक्ष यहाँ आपको दिखाई देंगे और जगह जगह आपको गति सीमा निर्धारित करने की बात संकेतकों पर लिखी दिखाई देती है। पन्ना टाइगर रिजर्व अगर आप जाना चाहते हैं तो मंडला गेट यहाँ का सबसे अच्छा गेट माना जाता है। मंडला गेट जाकर आप वहाँ पर रुक सकते हैं। वहाँ बहुत सारे आपके बजट के होटल रिसोर्ट्स हैं। इसके अलावा वन विभाग के भी आपको यहाँ पर होटल रिसोर्ट्स मिल जाएंगे, वन विभाग के विश्राम गृह मिल जाएंगे। आपके बजट के अनुसार यहाँ खाने की भी आपको होटल्स मिलेंगी। जुलाई से सितंबर तक, अक्टूबर में एक बार फिर खुलेगा, जुलाई से सितंबर तक वन्य जीवों का प्रजनन काल माना जाता है, इसलिए यहाँ जुलाई से सितंबर तक अन्य टाइगर रिजर्व की तरह इसे भी बंद कर दिया जाता है। पन्ना टाइगर रिजर्व के बारे में जो जानकारी हमारे पास है, वही जानकारी हम आपको पूरी उपलब्ध करा रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत सारी जानकारियां यहां पर मिल जाती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व कितना बड़ा है, पन्ना टाइगर रिजर्व में और क्या क्या आपको देखने के लिए है। इसका कुल एरिया 1645 स्क्वायर किलोमीटर है, कोर एरिया 542.66 स्क्वायर किलोमीटर है, बफर एरिया 1002.42 स्क्वायर किलोमीटर है। इस तरह आप अगर यहाँ पर घूमेंगे, इसका
रेनफॉल लगभग 1100 मिलीमीटर एवरेज यहाँ पर होता है। फील्ड डायरेक्टर पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना से आप संपर्क कर सकते हैं, उनका टेलीफोन नंबर 07732252135, ये उनका पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर का टेलीफोन नंबर भी हमने बताया। ये देखिए यहाँ पर शाम ढलने लगी है, धीरे धीरे शाम ढलती हुई हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। वाहनों की लाइट्स भी आपको दिखाई दे रही होगी, बहुत सुंदर यहाँ नज़ारा देखने को मिलता है पन्ना टाइगर रिजर्व के। ये हम बाहर के इलाके से आपको लेकर चल रहे हैं, बाहर बाहर जो भी सड़कें पन्ना टाइगर रिजर्व के आसपास की हैं उन सड़कों का हम दीदार करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर भी लेकर चलेंगे, जिस तरह हमने आपको पैंच टाइगर रिजर्व के अंदर पूरी जानकारी दी थी, अंदर आपको घुमाया था, उसी तरह पन्ना टाइगर रिजर्व आप जबलपुर से अगर जाते हैं तो जबलपुर से आप कटनी होकर पन्ना पहुंच सकते हैं, और पन्ना और छतरपुर के बीच ये स्थित है। अगर आप छतरपुर की तरफ से आते हैं तो आप टीकमगढ़ से छतरपुर या दमोह से छतरपुर, सागर से छतरपुर होकर पन्ना टाइगर रिजर्व पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग से अगर आप जाना चाहते हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन कटनी या छतरपुर ही माना जा सकता है। एयरपोर्ट भी आप अगर देखें तो खजुराहो सबसे करीबी एयरपोर्ट यहाँ पर माना जा सकता है। आप हवाई यात्रा के जरिए भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन का 660वां एपिसोड। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का 661वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।